हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एसपी ने सादरी थाने में नवनिर्मित कक्षाओं का उद्घाटन किया। निर्माण के लिए दानदाता का आभार जताया। एसपी ने कोरोना से बचाव ही उपाय बताया। पाली के एसपी राहुल कोटोगी ने सादरी पुलिस ने थाने में सेलो ग्रुप द्वारा नवनिर्मित थाना अधिकारी कक्ष, स्वागत कक्ष व सुविधाओं का फीता काटकर उद्घाटन किया। बुधवार साय को थाना परिसर में आयोजित इस उद्घाटन कार्यक्रम में एसपी कोटोगी ने सुंदर निर्माण कार्य की सराहना की और इसके लिए सेलो ग्रुप के प्रदीप राठौर का आभार जताया। उन्होंने उनके प्रतिनिधि के रूप में समाज सेवी गोविंद व्यास का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान एसपी ने मौजूद गणमान्य नागरिकों, कोरोना योद्धाओं व पुलिस स्टाफ से प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में बचाव ही उपाय है और इसके लिए मास्क, सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी अपनाने की जरूरत है। कार्यक्रम को एएसपी ब्रजेश सोनी व सीओ हिमांशु जांगिर ने संबोधित किया और पुलिस थाने को आदर्श रूप देने की सेलो ग्रुप की संकल्पना की सराहना की। सादरी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पुनिया ने बताया कि सेलो ग्रुप के प्रदीप राठौर इस थाने को सुसज्जित व अत्याधुनिक रूप देने की इच्छा रखते हैं, इसे वे भविष्य में साकार रूप देंगे। कार्यक्रम को नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश मीणा, नागरिक ओम प्रकाश माली, धन्नाराम बावरी, मोहन सिंह राजपुरोहित, सुरेश रावल इत्यादि ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस की भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम में थाना अधिकारी गिरधर सिंह भाटी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष दिलीप सोनी, पूर्व उपाध्यक्ष घीसाराम जाट, पूर्व जिला परिषद सदस्य गुलाब चौधरी, प्रमोद पाल सिंह मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद मीना, एडवोकेट संजय बोरा, मुकेश सुतार, अनिल बोरा, राजेंद्र सिंह मेड़तिया, मांगीलाल भाटी, गणेश बावरी आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए सादरी से खेताराम जाट की रिपोर्ट।